गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो किसी एक दिन की वीडियो नहीं है, बल्कि ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक मैंने कुछ बहुत जो भी शूट किया, कुछ बहुत जो भी क्लिप्स रिकॉर्ड की, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अभी ये फ़िलहाल ट्यूसडे नाइट है, और नाइट ऐसी वैसी नहीं, लेट नाइट है। अभी 11:15 या 11:30 के आसपास का समय हो रहा होगा। दोनों बच्चे जब से मिले हैं ना, ये टाइम पे सोते नहीं हैं, तो रात को लेट सोए थे, तो लेट सुबह उठे ऑब्वियसली, और जब सुबह लेट उठे तो रात को जल्दी नींद आ नहीं रही थी। और जितनी भी गेम्स थी, दो दिन से ये लोग इतना खेल लिए हैं कि अभी ये बोर हो रहे थे इस टाइम। तो मैंने सोचा चलो इन लोगों को कोई नई नई गेम्स खिलाते हैं। तो ये वाला गेम ब्लॉक्स वाला ना, अद्विक ने नहीं खेला था तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, तो ये हमने इतनी रात को लगाया। और हस्बैंड दो दिन से, जब से अद्विक यहाँ पे था, तो मैं, अद्विक और सिद्धार्थ ये बेड पे सोते थे और हस्बैंड वहाँ पे सोफे पे जाके सोते थे। तो ऑलरेडी वो ऑफिस से आके खा पी के सो चुके हैं। और जितना हिल के गिरा है वो आउट। अब चलो ला 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 इसका भी ब्लैक। ओके ला 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 तुमने कमाल कर दिया। प्लीज ऐसा मत करना यार, दिल टूट जाएगा मुझे। सफर यू कैन डू दिस। गिरा गिरा गिरा। तुमने कमाल कर दिया बेटा, सही में इसने खेला है। नहीं मैंने कभी नहीं खेला जिंदगी में। अगर ये हो गया तो मुझे वाट लग गए। अब क्या अद्विक, अब क्या करोगे? तुमने फर्स्ट टाइम खेला लेकिन बहुत अच्छा है यार। डन, तुमने 575वीं बार खेला, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, वेल डन। और ट्यूसडे फन नाइट के बाद बच्चों के साथ, ये मैंने मॉर्निंग में बनाया था टिफ़िन हस्बैंड के लिए। मैंने बनाए थे कटहल, आजकल कटहल बहुत आ रहा है, तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो सब्ज़ी है वो ट्राई करना बनता है। जनरली जब हम लोग कटहल बनाते हैं तो खूब सारा उसमें मसाले वसाले डाल करके बनाते हैं, लेकिन आज मैं बहुत ही सिंपल वर्ज़न आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। थोड़े से ऑयल के साथ में कटहल को मैंने 3 से 4 मिनट तक भून लिया था अलग से। उसके बाद यहाँ पर कुकर के अंदर मैंने जीरा डाला है, तेज़ पत्ता डाला है, एक बड़ी इलायची डाली है और साथ में सूखी लाल मिर्च डाली है। उसके बाद 2 अनियन मीडियम साइज़ के आपको इस तरीके से स्लाइस कर लेने हैं, ये इसके अंदर ऐड करना है। थोड़ा सा इसको भुनने के बाद जिंजर गार्लिक का कुटा हुआ जो पेस्ट होता है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे टमाटर, और ये टमाटर की स्किन मैंने हटा दी थी, छील लिया था इसको, उसके बाद मैंने इसको कट करके इसमें ऐड किया है। और फिर इसके अंदर जाएंगे मसाले, बहुत ही थोड़े थोड़े से आपको मसाले डालने हैं, बिल्कुल आधा छोटी चम्मच आपको हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और ये जो लास्ट में डाला है ये मिक्स सब्ज़ी मसाला है। इसके अंदर इवन मैं गर्म मसाला वगैरह भी कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। मसाले भून लिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कटहल था इसको भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ें अलग अलग भुनी हुई हैं तो साथ में भुनने की ज़रूरत नहीं है। ऐड कीजिए पानी और नमक और इसको आप बस ढक दीजिए और इसमें सीटी लगा लीजिए, और कटहल की बिल्कुल सिंपल एंड यमी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। हेलो, बाय बाय कर दो आप सबसे। बाय बाय बाय। क्या मैं तो वापस आऊंगा ना। संडे नहीं, मंडे हम लोग गए थे बंजारा, तब से अद्विक हमारे साथ रह रहा है 2 दिन से,
और आज मैं इसको अभी घर छोड़ने जा रही हूँ। आज है वेडनेसडे और 4:45 बज रहा है अभी अभी मैं निकल रही हूँ। कल मैंने कुछ व्लॉग ही नहीं किया, कुछ शूट ही नहीं किया, इन दोनों की मस्ती मजाक यही सब चल रहा था। अभी मैं निकलूँगी और आज वेडनेसडे, वैसे तो हस्बैंड आते वो भी छोड़ आते इसको, ऐसा नहीं था, लेकिन मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अंकल जो है ना वो 1 तारीख को जा रहे हैं, मतलब आंटी रहेंगी अभी, अंकल जा रहे हैं, तो मैंने सोचा उनसे भी मिलना हो जाएगा, इसको भी मैं घर छोड़ दूंगी। और आज वेडनेसडे है, वंदना को मार्केट जाना है, वही बुध बाज़ार जो मैं 2.5 साल पहले जाया करती थी हर बुधवार को। 2.5 साल से जब से कोरोना का ये सीन हुआ तब से हम लोग वो मार्केट गए, मतलब वंदना तो जाती है क्योंकि वहाँ से नियर बाय है, अब जहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ यहाँ से दूर हो गया है, तो मैंने सोचा उसको जाना है तो मैं थोड़ा सा वेडनेसडे मार्केट भी कर लूँगी, तो इसी विचार से मैं अभी जा रही हूँ और इसको छोड़ूंगी, दोनों को वहाँ छोड़ेंगे, फिर मैं और वंदना मार्केट जाएंगे, देखेंगे वहाँ कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, थोड़ी साग सब्ज़ी और कुछ और बहुत चीज़ें वहाँ बड़ी स्पेशल स्पेशल मिलती हैं। तो रेडी हो आप लोग? तुम्हें दुख हो रहा है? और वहाँ प्लीज़ इग्नोर करें, वहाँ सारे कपड़े फोल्ड करके रखे हैं लेकिन उनको रखने का भी समय नहीं मिला है। दुखी हो या बहुत खुश हो? दोस्त से बिछड़ रहा है इसलिए दुखी है, और मम्मी पापा से मिलने वाला है इसलिए खुश है, है ना? एक काम करो बेटा, ये वाली लाइट बंद कर दो, मैं इसकी लाइट जला देती हूँ। मैं थोड़ा सुखी हूँ कि पापा के साथ आज रात को सोऊंगा। हाँ, वो भी 2 दिन से अपने पापा से बेचारा बिछड़ा हुआ है, सिद्धार्थ भी, क्योंकि हम तीनों लोग सोते थे बेडरूम में और पापा सोते थे यहाँ सोफे पे, तो इसीलिए उसको इस बात की खुशी हो रही है कि मैं आज पापा के साथ सोऊंगा। चले ये अद्विक, ये तुम्हारे शूज के अंदर ही सॉक्स हैं बेटा, सॉक्स पहन लो, पहन लो, मर्जी है तो पहनो नहीं तो बैग में रख लो। यहाँ पे मैंने 1-1.5 घंटा हम लोग बैठे, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे मार्केट, और मार्केट से क्या लेकर आई हूँ वो तो मैंने आपके साथ शेयर ही कर दिया है। और ये दिन है फ्राइडे का, इतनी घमासान बारिश हुई थी, आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे नीचे जो रोड है वो सब भर गई हैं, इवन मेन रोड की साइड भी काफ़ी पानी भर गया था, इतनी बारिश हुई थी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आपको एकदम अंधेरा अंधेरा घर में लग रहा होगा क्योंकि बाहर भी काफ़ी अंधेरा अंधेरा हो रखा है, और आज सुबह से ऐसी घनघोर बारिश हो रखी है ना कि मैं क्या बताऊँ। सुबह सुबह 9 बजे से ही ऐसी घनघोर बारिश स्टार्ट हुई कि मतलब 11:30 बजे तक तो एकदम मूसलाधार हुई है, उसके बाद अभी रिमझिम बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ की सारी रोड भर गई हैं। आज ना सिद्धार्थ के स्कूल में एक वर्कशॉप था, लिटरेसी से रिलेटेड कुछ वर्कशॉप थी, वो अटेंड करना ज़रूरी था, तो सिद्धार्थ को रेडी किया सुबह सुबह, हस्बैंड का टिफ़िन ब्रेकफास्ट सब कुछ फटाफट सुबह उठ के किया, और हमें भी निकलना था 9:45 बजे तक, तो 9:45 बजे हम लोग निकल गए थे। और जैसे ही हम यहाँ से निकले हैं ना, जैसे ही हम नीचे पहुँचे इतनी तेज़ की बारिश स्टार्ट हो गई, उसके पहले बस मौसम था, बारिश नहीं हुई थी, लेकिन इतनी घमासान बारिश स्टार्ट हो गई ना, थोड़ा बहुत तो हम भीग गए जबकि छाता लेके गए थे, लेकिन हवा के साथ जो छींटे आते हैं ना वो भिगा ही देते हैं। फिर तो स्कूल में चले गए, जब अंदर चले गए तो फिर कुछ नहीं, वहाँ तो कुछ नहीं पता चल रहा था, जब वहाँ से बाहर निकले 11 बजे 11:45 बजे और तब भी उतनी ही तेज़ बारिश हो रही थी। फ़र्क इतना था कि जब हम अंदर घुसे थे ना तो बारिश स्टार्ट हुई थी, कुछ भी भरा नहीं हुआ था, जब वापस हम निकले तो सारी रोड भरी हुई थी, बड़ी मुश्किल से रिक्शा मिला और हम आए एकदम भीग गए थे, हम लोग चेंज वगैरह किया, खाना भी हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करके गए थे मैं और सिद्धार्थ, फिर आके ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया, और अभी बस मैं फ्री हुई हूँ ये खाना वाना खा करके, और थोड़ा सा लेटी भी थी आधे घंटे के लिए, और अब फिर से काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। पूनम अभी अभी आई है, वैसे तो सुबह आ जाती है लेकिन क्योंकि आज स्कूल जाना था तो मैंने उससे मना कर दिया था कि लेट आना, वैसे भी आ नहीं पाती क्योंकि बारिश थी, तो अभी अभी जस्ट आई है तो जाऊँगी उसके साथ मिल के ही, मैं फिर घर के सारे काम इसी समय निपटा लेती हूँ।
बट चलिए पहले मैं जाके ना सारे काम निपटा लेती हूँ, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी हैं जल्दी जल्दी। वैसे भी आज डे बहुत लेट ही स्टार्ट हुआ है, तो जल्दी काम हो जाएंगे तो फिर हाथ में कुछ समय बचेगा, अदरवाइज़ पूरा दिन मैं ऐसे ही लगी रह जाऊँगी काम में। हाँ जल्दी जल्दी घूम के आ जाओ। नहीं बोट नहीं खराब हो जाएगी। मौसम बहुत अच्छा था और दोपहर में कुछ गर्मा गर्म बढ़िया चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो मैगी बनाने का सोचा। वैसे भी मेरे घर में मैगी बहुत रेयर बनती है, नहीं तो नहीं बनती है, तो आज बहुत ज़्यादा खाने का मन कर गया मैगी का नाम सुन के। और ऊपर से ऐसा जब ठंडा मौसम होता है ना तो मैगी अच्छी भी बहुत लगती है, लेकिन मैं इसको नॉर्मल तरीके से नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा इसमें एडिशंस करके बना रही हूँ। और ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी ये मैगी बन के तैयार हुई थी। मैगी खाने का जो मज़ा है ना वो 50 गुना बढ़ गया था, 100 गुना तो नहीं कहूँगी लेकिन 50 गुना बढ़ गया था। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल करके उसमें चॉप्ड अनियन और चॉप्ड टमाटोज़ ऐड किए हैं, साथ ही मैंने थोड़ा नमक और लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड किया है। टमाटर में आपको याद रखना है कि टमाटर आप छील लीजिएगा, उनका जो छिलका है वो हटा दीजिएगा। अगर आप टमाटर को छील करके बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी तरीके से वो मैश हो जाते हैं। इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से फ्रोज़न कॉर्न्स एंड पीज़ रखे हुए थे, ये मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, अच्छी तरीके से हम कर देंगे मिक्स। उसके बाद इसे ढक देना है क्योंकि मटर और कॉर्न को पकने में थोड़ा सा समय लगता है। ढक्कन हटाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। मसालों को ऐड करके हल्का सा हम भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें जो मैगी के पैकेट्स हैं वो ऐड कर देंगे। तो दो तो मैगी के पैकेट यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं और एक नूडल्स थोड़े से बचे हुए रखे थे मैगी वाले, उनका मसाला नहीं था हमारे पास में, वो किसी और चीज़ में यूज़ हो गया था, तो वो मैंने इसके अंदर जो बचा हुआ था वो भी ऐड कर दिया है। सब्ज़ियाँ भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ करती हैं, तो यहाँ पे 2 कप मैं पानी ले रही हूँ। और फिर हम इसको मिक्स करके ढक देंगे जब तक मैगी लगभग 70-80% डन नहीं हो जाती। उसके बाद हमें इसके अंदर कुछ और चीज़ें मिक्स करनी है, अभी ये रेसिपी पूरी नहीं हुई है। तो मैगी तो बना ही रही हूँ लेकिन इतनी सारी मैगी मैं नहीं खाऊँगी, थोड़ी सी खाऊँगी मन पूरा करने के लिए। साथ में मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, तो कुछ ये यहाँ पे ब्राउन ब्रेड रखे हुए थे, तो मैंने सोचा एक अच्छी सी अपने लिए हेल्दी वाली सैंडविच बनाती हूँ, तो बस उसी की रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी कि आप क्विकली विद इन 2-3 मिनट्स अपने लिए एक हेल्दी सैंडविच कैसे बना सकते हो। मैगी हमारी 80-90% हो चुकी है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे 2 पैकेट ओरिगानो और साथ में 1 पैकेट चिली फ्लेक्स का डाल रही हूँ। बहुत थोड़े थोड़े से, डोमिनेट नहीं करना है हमें कि खाली ओरिगानो का फ्लेवर इसके अंदर आए, थोड़ा सा एक पीछे से बैलेंस और अलग टेस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा डालिए, तो हर चीज़ का एक मिक्स टेस्ट आएगा, ना कि किसी भी चीज़ का टेस्ट जो है वो बहुत ओवरपावरिंग होगा अदर जो टेस्ट हैं उनसे। तो ऐसा नहीं है कि ये पिज़्ज़ा जैसी लगने वाली है, लेकिन ये मैगी मैगी जैसी ही लगेगी, लेकिन एक पीछे से एक टेस्ट रहेगा ओरिगानो का भी। और चिली फ्लेक्स आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 2 चीज़ क्यूब्स डाले हैं, तो उनसे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ी और बहुत ही बैलेंस क्रीमी सा टेस्ट इसके अंदर ऐड होगा। ब्रेड अच्छे से भुन गई है, तो इसके अंदर मैं मेयोनीज या केचप की जगह यहाँ पे दही लगा रही हूँ, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और बहुत अच्छी लगती है सैंडविच इस तरीके से बना के, आप एक बार देखिएगा। तो थोड़ा सा थिक साइड पे दही ले लिया है मैंने, उसको स्प्रेड कर दिया है अच्छे से। आप चाहें तो ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, दही के साथ में ग्रीन चटनी भी रखिएगा, अच्छा लगता है। चटनी थी नहीं अभी, तो सिर्फ मैंने दही लिया है, इसके ऊपर खीरा की एक बहुत ही मोटी लेयर मैंने लगाई है, फिर टमाटर डाला है, टमाटर का छिलका हटा दिया है मैंने, और ऊपर से मैंने डाले हैं ये प्याज और साथ में थोड़ा सा नमक और चाट मसाला। थोड़े से तीखे और चटपटेपन के लिए आप इसके ऊपर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो नींबू वाली मिर्च मैंने फ्राई करके बनाई थी ना, ये बहुत ही अच्छी बनी थी, तो इसको मैंने इस तरीके से छोटा छोटा कट करके डाल दिया है, बहुत अच्छा इसके अंदर टेस्ट ऐड हुआ था। तो मौसम इतना अच्छा है ना, मतलब लग रहा है कि सर्दियाँ आ गई हैं, तो मैंने सोचा क्या बनाया, तो मैगी के पैकेट्स रखे थे, बट नॉर्मल एकदम सिंपल मैगी खाने का मन नहीं हो रहा था, कुछ लग रहा था कुछ चीज़ी पास्ता जैसा कुछ हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ डिफरेंट स्टाइल मैगी बनाई है चीज़ वाली, और वो बहुत खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही है और देखने में भी सुपर टेस्टी लग रही है। अभी हम मैं और सिद्धार्थ इंजॉय करेंगे मैगी, और साथ में मैंने अपने लिए सैंडविच भी बनाया, क्योंकि मैं ज़्यादा मैगी नहीं खाऊँगी, थोड़ी सी खाऊँगी।
इतने सुहाने मौसम में गर्मा गर्म मैगी मिल गई तो चेहरे की खुशी आप लोग देख सकते हैं। और ये हो गया इवनिंग का, शाम के समय फिर हमने बनाई चाय, और मौसम ऐसा था तो चाय बिना तो चैन कहाँ रहे, तो चाय बनी है। और इसको हम अपने न्यू जो कप हैं उसमें पीने वाले, सिद्धार्थ को जब से वो कप आया ना तब से मम्मा इसमें चाय पीनी है, मुझे चाय पीनी है, तो इनको क्लीन वगैरह करके रखा था और हॉल भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, तो इसमें हम चाय पीने जा रहे हैं। तो अभी 2-3 दिन यूज़ करके मुझे बहुत अच्छे लगे ये कप। कोई मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहा था कि कांच के कप लेने से डर लगता है क्योंकि हम उसमें गरम गरम चाय पियेंगे तो कैसा रिव्यू है बताना। तो अभी मैं 3 दिन से तो लगातार लगभग इसको यूज़ ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छे लग रहे हैं। और अगर कांच की कोई चीज़ गर्म चीज़ के लिए बनी है तो ऑब्वियसली उसको इतना मजबूत तो बनाया ही जाता होगा ना कि वो उस चीज़ को बेयर कर पाए उतने हीट को। और उसके बाद फिर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी डिनर की, और डिनर में मैं बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि मौसम अच्छा है तो डिमांड कुछ अच्छा ही खाने का है। मैंने और सिद्धार्थ ने तो मैगी पार्टी कर ली दोपहर में, लेकिन हस्बैंड के लिए बढ़िया से कुछ सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे। और गोभी वगैरह वैसे तो मैं नहीं खाती हूँ बिना सीज़न की सब्ज़ी, लेकिन ये इतनी फ्रेश इतनी अच्छी लग रही थी जैसे कि बिल्कुल सीज़न की हो। मैं बुध बाज़ार गई थी तो वहाँ बहुत गोभी मिल रही थी तो मैंने भी फिर एक फूल ले लिया। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाला है, इसके अंदर अभी मैंने 3 चीज़ें फ्राई करके निकाली हैं, आलू गोभी और ये है पनीर, और भी कई चीज़ें डाल करके मैं आज की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा तेल मैंने इसमें बढ़ा लिया है, उसके बाद ऐड करूँगी इसमें मैं जीरा, तो आधा छोटी चम्मच जीरा, उतना ही मैंने इसके अंदर कलौंजी ऐड किया है, और उतना ही मैं इसके अंदर जो धनिया के बीज होते हैं वो ऐड करूँगी, और थोड़ा सा बिल्कुल सौंफ होता है वो ऐड करूँगी। तो ये जो कलौंजी और धनिया हम यूज़ कर रहे हैं, सौंफ यूज़ कर रहे हैं, इससे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आएगा इस सब्ज़ी का। उसके बाद मैंने प्याज डाले हैं और उनको भूनने के लिए छोड़ दिया है, प्याज एकदम बारीक बारीक मैंने चॉप किए हैं। साथ में यहाँ पे मैं एक पेस्ट तैयार कर रही हूँ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसके अंदर मैं टमाटर भी ऐड कर रही हूँ। तो 2 टमाटर लिए थे मैंने, जिंजर गार्लिक लिया था, और लास्ट में मैं यहाँ पर जो धनिया के स्टेम होते हैं ना वो ऐड किए हैं, इससे बहुत अच्छा स्वाद ग्रेवी में ऐड होता है। प्याज हमारे भुन गए तो उसके अंदर ये वाला पेस्ट मैंने कर दिया ऐड, अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, और थोड़ा सा ही सौंफ का पाउडर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा नमक, अच्छी तरीके से इसको चला दीजिए और ढक दीजिए, और इसको तब तक पका लीजिए जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता। और ये एक्चुअली प्याज मैं डालना भूल गई थी, ये जो ग्रीन अनियन होता है उसका वाइट पार्ट होता है ना वो है, ये मुझे प्याज के साथ ही डालना था तो ये मैंने फिर बाद में डाला। और यहाँ पे जब मसाला भुन गया तो मैंने इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं, गोभी, आलू, गाजर, साथ ही डालूँगी मटर। हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, पानी ऐड कर देंगे, दोनों चीज़ों को एक साथ करके ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाला अलग भुन चुका है, सब्ज़ियाँ अलग भुन चुकी हैं। दोनों को एक साथ कीजिए, पानी और नमक डाल करके ढक दीजिए, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, इसमें और चीज़ें पड़ेंगी लेकिन हम बाद में डालेंगे। मीनवाइल मैं यहाँ पर आटा लगा के तैयार कर रही हूँ। सब्ज़ी यहाँ पे ना पूरी तरीके से अभी पकी नहीं है, थोड़ी सी कसर बाकी है, तो अभी मैं इसके अंदर ग्रीन अनियन ऐड कर रही हूँ, तो जितनी देर में सब्ज़ी पकेगी ये ग्रीन अनियन भी थोड़ा सा कुक हो जाएंगे इसके साथ में। उसके बाद हमने इसके अंदर ये फ्राइड पनीर ऐड कर दिया है, और पनीर के साथ में अगर मशरूम वगैरह हैं आपके पास तो मशरूम भी ऐसे थोड़ा सा फ्राई करके आप निकाल लीजिएगा, और इस स्टेज पे आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, इसमें अच्छी लगेंगी वो भी। तो 2 मिनट मैं वहाँ पे कुक करूँगी सब्ज़ी और उसको फिर हटा लूँगी, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक वॉक के अंदर थोड़े से धनिया के बीज डाले हैं तेल के अंदर, और फिर ये छोटे छोटे स्क्वायर में काटी हुई सब्ज़ियाँ मैं धीरे धीरे ऐड करूँगी वॉक में। और ये एक तड़का है, एडिशनल तड़का जो हम सब्ज़ी को लगाने वाले हैं, और ये तड़का से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट एक अलग सा ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़े से प्याज हो गए हैं जब, तो हमने ये शिमला मिर्च भी डाल दी है, शिमला मिर्च हल्की सी कुक हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने टमाटर भी ऐड कर दिए, और टमाटर का बीज मैंने निकाल लिया है और ऐसे ही छोटे छोटे मैंने स्क्वायर्स में कट किया, थोड़ा सा नमक डाला, फिर से थोड़ा सा भूना, और उसके बाद फिर मैं सारी सब्ज़ी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और सब्ज़ी को अच्छी तरीके से आपको भून लेना है बिल्कुल हाई फ्लेम पे,
और बस ये हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लास्ट में इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा हरा धनिया भी हम साथ में डाल लेंगे। अच्छी तरीके से इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लीजिए और बस ये हमारी यमी यमी सब्ज़ी बनके तैयार है। बहुत ही अलग टेस्ट आता है इसमें। तड़के में हमने कलौंजी वगैरह डाला है ना, तो थोड़ा सा हटके टेस्ट इसका आपको मिलेगा। इसको आप पूड़ी के साथ, पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है ये। मैं सिंपल रोटी ही बनाने वाली हूँ बिकॉज़ इस सब्ज़ी में थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल का प्रयोग हो ही गया है, तो इसीलिए सिंपल रोटी मैं यहाँ पे बनाऊँगी। और बस यही थी आज की हमारी वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।